महामारी की दूसरी लहर कितनी जबरदस्त होगी इसका अंदाजा न तो सरकार को था न ही देश के लोगों को। विपक्ष की ओर से जरूर चेताया जा रहा था कि मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं बल्कि बढ़ने वाली हैं, लेकिन मोदी सरकार का अति आत्मविश्वास अब देशवासियों पर भारी पड़ रहा है। कई परिवार के परिवार समाप्त हो गए तो कई परिवारों में कमाने वाला नहीं बचा। सरकारी आंकड़े ही बोल रहे हैं कि 3 लाख के करीब लोगों की जान जा चुकी है और अब इसे लेकर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। देखिए ये रिपोर्ट। इस बार संक्रमण की लहर ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। कई परिवारों के एकमात्र कमाने वाले इंसान की जान चली गई, जिससे पूरे परिवार का भविष्य ही मुश्किल में फंसता दिख रहा है। किसी के सिर से पिता का साया तो किसी से माँ का आंचल दूर हो गया। कई बच्चे के तो माता और पिता दोनों की ही जान संक्रमण के चलते चली गई। इसे लेकर सोनिया गांधी ने पीएम को पत्र लिखा है। पत्र में सोनिया गांधी ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि संक्रमण की इस लहर ने कितने ही लोगों के परिवार को मुश्किल में डाल दिया है। जिस बच्चों से उनके माता पिता दोनों ही दूर चले गए हैं, ये खबर बहुत ही परेशान करने वाली है। इनके शिक्षा या भविष्य की चिंता करने वाला कोई नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पति राजीव गांधी की सबसे महत्वपूर्ण विरासतों में से एक नवोदय विद्यालय का नेटवर्क है। मेरे पति का सपना था कि गाँव में रहने वाले बच्चों को कम खर्च में बेहतर शिक्षा दे सकें, और फिलहाल पूरे देश में नवोदय के 661 स्कूल हैं। मैं ये पत्र आपसे अनुरोध करने के लिए लिख रही हूं ताकि आप इस महामारी में अपना सब कुछ खो चुके बच्चों को नवोदय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर विचार करें। डीबी लाइव की रिपोर्ट।